डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूरोप चैनल एके मूवी फैक्ट पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पठान। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पठान मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। या दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पठान मूवी ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे, और दोस्तों इस फिल्म को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे, और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था इसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। यहाँ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म में अभिनय करने के लिए शाहरुख खान को, दीपिका पादुकोण को और जोहान अब्राहम को कितने रुपए मिले थे। इसी के साथ साथ दोस्तों फिल्म की कहानी क्या है, ये फिल्म आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं पठान फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों पठान मूवी साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को सिद्धार्थ द्वारा निर्देशित किया गया और श्री राघवन द्वारा इस फिल्म को बनाया गया है। एक साथ दोस्तों इस फिल्म के राइटर के बारे में हम बात कर ले तो अब्बास टायरवाला द्वारा फिल्म की कहानी को लिखा गया है जो अनन की एक कहानी को बताता है। इसी के साथ दोस्तों बता दे YRFSY यूनिवर्स की चौथी किस्त के रूप में ये फिल्म काम करता है जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं। उनके साथ दोस्तों इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, जोहन अब्राहम और डिंपल कपाड़िया जैसे स्टार कास्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आशुतोष राणा भी इस फिल्म में है। फिल्म में एक यहाँ पे निर्वासित रो एजेंट यानी कि पठान शाहरुख खान के किरदार को दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों फिल्म के कहानी में गद्दार जोहन अब्राहम को हराने के लिए ISI एजेंट रूबीना मोहसिन यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ काम करते हैं शाहरुख खान, जो एक विशेष कारण से भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है छुपके। यशराज फिल्म के आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म को। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की अगर हम बात कर ले तो दोस्तों नवम्बर के महीने में 2020 में मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो भारत, अफगानिस्तान, स्पेन, इसके अलावा दोस्तों UAE, तुर्की, रूस और इटली और फ्रांस के विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म को फिल्माया गया। इसी के साथ दोस्तों बतला दें फिल्म के दो गाने विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित किया गया है। इसी तरह दोस्तों जबकि जो संजीत बलहारा और अंकित बलहारा ने स्कोर प्रदान किया है इस फिल्म के लिए। इसके अलावा दोस्तों पठान मूवी के बजट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बनाने में 225 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 28 मिलियन के अनुमानित जो है उत्पादन बजट पर ये फिल्म बनाई गई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के विज्ञापन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों विज्ञापन पर 1.9 मिलियन खर्च किए गए थे जो मानक के विपरीत रिलीज पूर्व प्रचार सीमित था और इसमें कोई मीडिया इंटरेक्शन भी नहीं रखा गया था। इसी तरह दोस्तों पठान फिल्म को भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस हफ्ता के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, और दोस्तों रिलीज होने के बाद इस फिल्म को आम तौर पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी, जिन्होंने इसके एक्शन दृश्यों और संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। इसी तरह दोस्तों फिल्म ने भारत में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जो है शुरुआती दिन और सबसे ज्यादा एकल की दिन जो है सबसे ज्यादा शुरुआती हफ्ता साबित हुआ था, जो सबसे ज्यादा शुरुआती हफ्ता का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाया इस फिल्म ने। और दोस्तों ये फिल्म अंत तक भारत में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बन गई। और दोस्तों यूएस में कन्वर्ट कर दे तो बता दे आपको यूएस में भी फिल्म ने काफी शानदार कमाई किया था, जो कनाडा, UAE और GCC, यूनाइटेड जो किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी जो प्रमुख विदेशी बाजारों में नए रिकॉर्ड इस फिल्म ने बनाए थे। इसी तरह दोस्तों फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 130 मिलियन से अधिक की कमाई की है, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है और दोस्तों अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है।
इसी तरह दोस्तों ये फिल्म अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जो 2023 की यहाँ पे 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने भारत में और हिंदी भाषा की फिल्म के लिए कई अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए। पठान चीन में रिलीज हुए बिना दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है, ये भी रिकॉर्ड पठान फिल्म के नाम पे है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पठान फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है साल 2019 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ये खबर दोस्तों कैंसर से पीड़ित जो है पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करता है बहुत ज्यादा, जो भारत के खिलाफ जो है बदला लेने का फैसला करते हैं। वह जिम के साथ एक यहाँ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, जो यहाँ पे आपको बतला दे लश्कर ए तैयार के तहत जो है काम करने वाले यहाँ पे आतंकवादी संगठन जो आउटफिट जो अक्स का नेतृत्व करते हैं फिल्म में। इस बीच दोस्तों एक रो एजेंट पठान और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ग्रोवाल ने पूर्व रो एजेंटों की भर्ती के लिए यहाँ पे संयुक्त संचालन और गुप्त जो है यहाँ पे अनुसंधान किया, जो यहाँ पे JOCR के साथ जो है कमाई नामक एक यानी की इकाई खोली, जिन्हें दोस्तों पिछले जो यहाँ पे अज्ञात या फिर जो है चोट के कारण यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह चाहते थे कि देश की सेवा करने के लिए और रहे। रो के संयुक्त सचिव के बारे में बात कर ले तो कर्नल जो है सुनील लूथरा की यहाँ पे सिविक रीति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक जो है एक यहाँ पे वैज्ञानिक जो है सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की यहाँ पे आउटफिट जो अक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिकों डॉक्टर जो है फारूकी और डॉक्टर जो है सहानी का अपहरण करने की थी, और दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति पर यहाँ पे असान हमले के बारे में उन्हें जो यानी कि जानकारी मिली थी वह उन्हें यहाँ पे गुमराह करने के लिए चलाया गया था। जिस वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला किया गया वह पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू होता है उनके बीच, जहाँ जिम डॉक्टर सहानी के साथ जो है भागने में सफल हो जाते हैं। एजेंसी में आपको बता दें पूछताछ के दौरान यहाँ पे लूथरा ने खुलासा किया था कि जिम एक पूर्वरो एजेंट था, जिसे उसकी जो यहाँ पे बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब दोस्तों बतला दें यहाँ पे सोमालिया आतंकवादियों ने एक जो है बातचीत में उसकी पत्नी और यहाँ पे अजनबी बच्चे की हत्या कर दी, तब जो है एजेंसी उसका जो है शव नहीं ढूंढ पाई थी और गलत अपने परिवार को न बचाने के कारण जो है एजेंसी और देश से जो है प्रतिशोध लेने के लिए उसने स्पष्ट रूप से अपनी जो है मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच दोस्तों पठान को यहाँ पे रक्त बीज जो है नामक जो है कोड वर्ड के बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि यहाँ दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका जो है पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन यानी कि रुबाई के खाते से स्थानांतरित कर दिया गया था। वह यहाँ पे स्पेन जाते हैं और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना जो है पठान छोड़ देता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और यहाँ पे पठान के साथ जो है भाग निकलती है। रुबाई ने खुलासा किया था कि रक्त बीज जो यहाँ पे मास्को में है, जहाँ पे वह जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया बीच में और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, और यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल सिर्फ पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था, जो पठान को पकड़ लिया गया और ट्रेन से जेल ले जाया जा रहा था। लेकिन अविनाश सिंह राठौर टाइगर इस सिनेमा के यानी कि सलमान खान का कैमियो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और वो उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों कहानी में आगे देखने को मिलता है 3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करने लगता है और जिम के गुंडे राफे को पकड़ लिया जाता है। वो नंदिनी से मिलते हैं और जिम द्वारा 2 सेबर जो है यहाँ मिसाइलें खरीदने के बारे में खुलासा करते हैं, जबकि दोस्तों नंदिनी जो है पेरिस में रुबाई के स्थान का खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि यहाँ रक्त बीज एक जो यहाँ थे उत्परिवर्ती चेचक के साथ वायरस है। इसे जिम के आदेश के तहत जो एक बंदी डॉक्टर सुहानी द्वारा जबरन जो है विकसित किया गया था, वह ये जानने बिना कि उसका देश इस तरह के यहाँ पे जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए यहाँ पे अपराध बोध भी
व्यक्त किया गया, जो कि यहाँ पे साइबेरिया में जिम की यहाँ प्रयोगशाला की यात्रा किया गया है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वायरस वाले एक गोले को यहाँ पे पुनः प्राप्त करने में कामयाबी हासिल किया। जबकि दोस्तों जिम दूसरे गोले के साथ भाग निकलता है, जहाँ पे लूथरा और नंदिनी टीका के साथ विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। लूथरा ने रुबाई को भी यहाँ पे संदिग्ध जो है वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आईसीडी में इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युग के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है जो दिल्ली में उतरने वाली है। वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मार कर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिर कर यानी कि स्पर्श मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडो का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो
किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने को बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारत, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिम इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी जो है अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूह से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष सांधवी को पत्र लिखा है।
साध्वी ने ये कहा था। साध्वी ने फिल्म के रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर बवाल भी हुआ था लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो है यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान के रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान नए जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पर इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया। तब पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है जो दिल्ली में उतरने वाली है। वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मार कर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिर कर यानी कि स्पर्श मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है।
इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया, कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबी पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मेलोका और यहां पे कार्डिफ में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2023 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्डिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहां पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके 2 स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जिम्स और सिम इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया
और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी जो है अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशर्म रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड धारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो है करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहां पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहां पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान के रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवम्बर 2002 को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल तेलुगू और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान नए जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है जिम, उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो है जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसके वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी
केबिन से लड़ते हुए नजर आते हैं। अंत में जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जीम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडो का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया, कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ जो प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहाँ पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ, जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मेलोका और यहां पे कार्डिज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन SPM चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्डिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहां पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंड के बारे में हम बात कर ले तो साउंड एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बलहारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिम इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंड एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंड एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना
पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने यूट्यूब पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें, रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिण पंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो है शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने फिल्म के रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें, असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल, तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें, आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान नए जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है जिम, उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने
पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया। तब पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसके वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनकी जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडो का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया।
इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ, जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मेलोका और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया, जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारत, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंड ट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंड ट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बलहारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंड ट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने यूट्यूब पर सबसे कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्यों को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यूए प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसके वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म के रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए
और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल, तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है जिम, उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम द्वारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसके जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं।
इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया, कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ, जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की, जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोर का और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम में इस गाने को रखा गया, जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। और 2022 में और 2030 में इस गाने को और बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारत, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बलहारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने यूट्यूब पर सबसे कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को सांस्कृतिक और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को
प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर बवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें, असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पे तमिल तेलुगू और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें, आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान नए जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहली ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथ युकुत जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वारिस युग के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इस वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे, न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे
जेओसी आर का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया, कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबी पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कार्टिज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम में इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने को बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसटीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंड ट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंड ट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंड ट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने यूट्यूब पर सबसे कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किया था और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये
भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो है शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को सांस्कृतिक और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्यों को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड धारक पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसके वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री या फिर भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने फिल्म के रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो है करने जा रहे थे। एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान के रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पे तमिल तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान नए जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है जिम, उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहली ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के सांस सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है।
पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वारिस युग के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया। तब पठान जो है जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है जो दिल्ली में उतरने वाली है। वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। दल्लानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया, दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ जो है प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहाँ पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कार्टिज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम में इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने को और बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था।
इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन जोशियों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। एसपीएम शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इससे शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को सांस्कृतिक और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यू प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म के रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वास दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान के रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला।
इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल, तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहली ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के सांस सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है जो दिल्ली में उतरने वाली है। वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इस वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसके जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए।
डिंपल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ जो प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोर का और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने को और बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहां पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बलहारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिण पंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहां पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहां पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे।
उन्होंने फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूह से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वास दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें, असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें, आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहली ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के सांस सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा चूरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे, न्यू टूटने वाली थी जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसके जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे
JOCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहाँ पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मेलोका और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्डिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके 2 स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था और इस गाने को लेके बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये
भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति का और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड धारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूह से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो है यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पे तमिल तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है जिम, उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहली ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है।
पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वारिस युग के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो है जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है जो दिल्ली में उतरने वाली है। वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के पूर्व सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहाँ पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहाँ पे मैलोका और यहाँ पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था।
इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारत, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिम इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूह से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म के रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान के रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला।
इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पे तमिल, तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया। तब पठान जो है जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है जो दिल्ली में उतरने वाली है। वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मार कर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानियुक्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में
कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबी पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ जो प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहां पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बल्हारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किया था और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी जो है अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यूए प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे।
उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित करने जा रहे थे, एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें, असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस हफ्ते के अवसर पे तमिल तेलुगू और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें, आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान नए जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसके वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे, न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मार कर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिर कर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे
जेओसी आर का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्यों में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडो का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की। इसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया, कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहाँ पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और 2022 में और 2030 में इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। एसपीएम शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज के स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारात, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंडट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंडट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बलहारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिम इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंडट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंडट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने YouTube पर सबसे कम दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूज प्राप्त किया था और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये
भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो है शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्यों को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड धारक पठान को यूए प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो है यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित जो है करने जा रहे थे। एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहाँ पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पे तमिल तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है जिम, उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है।
पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वारिस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया। तब पठान जो है पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसकी वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं, अंत में जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो उसी आर का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडो का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया। दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबे पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहाँ पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ, जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कार्डिज में होने वाली थी, जो यहां पे
काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम में इस गाने को रखा गया, जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। और 2022 में और 2030 में इस गाने को और बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों फरवरी 2022 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम सहित जो एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन एसपीएम चला गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन यहां पे मलोर्का और कार्टिज में शुरू हुआ। स्पेन शेड्यूल के बारे में बात कर ले तो मार्च 2022 में पूरा हो गया। मुंबई शेड्यूल जो है यशराज स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग के साथ पूरा हुआ। अक्टूबर 2022 में पूर्ण शूट और यहाँ पे अतिरिक्त जो है दृश्य पूरे किए गए। फिल्म की शूटिंग भारत और अफगानिस्तान, स्पेन और संयुक्त अरब इमारत, तुर्की और इसी तरह दोस्तों कई सारे शहरों में किया गया था। पठान के लिए साउंड ट्रैक के बारे में हम बात कर ले तो साउंड ट्रैक एल्बम जो है विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। जो फिल्म के गाने बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान के बोल कुमार थे। यहीं पे दोस्तों बता दें मूल स्कोर यहाँ पे संचित और उनके अलावा दोस्तों बता दें अंकित बलहारा द्वारा लिखा गया था, जो संगीतबद्ध किया गया था उनके द्वारा। उनके दो स्कोर जो यहाँ पे टुकड़े स्मिथ और यहाँ पे जेम्स और सिमी इसमें शामिल थे। 22 दिसंबर 2022 को YRF स्टूडियो द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम के साथ जो है जारी किया गया था, जो अपने मूल के अलावा यहाँ पे साउंड ट्रैक एल्बम जो है तमिल और तेलुगु में जारी किया गया था। बेशरम रंग और यहाँ पे झूमे जो पठान की यहाँ पे संकल्पना पुरानी शैली जो है यहाँ पे पद्धति में की गई थी, जो बाद वाली एक यहाँ पे आधुनिक जो है कव्वाली थी। बेशरम रंग 2022 का एकमात्र बॉलीवुड ट्रैक था जिसने यूट्यूब पर सबसे कम दिनों में काफी ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था। और इस गाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने विवाद भी किया था पठान फिल्म के ऊपर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट में बताया गया है दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने आरोप लगाया था कि फिल्म का गाना बेशरम रंग अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अपमान भी करता है, क्योंकि दोस्तों गाने में दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में नजर आई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गाने को आपत्तिजनक बताया और चेतावनी दी कि अगर गाने में यहाँ पे वेशभूषण में सुधार नहीं किया गया तो उनकी यहाँ पे सरकार फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। फिल्म के विरोध के प्रतीक के रूप में जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जो शहरों में शाहरुख खान के पुतले और यहाँ पे पोस्टर जलाए गए। टीवी अभिनेता के बारे में हम बात कर ले तो मुकेश खन्ना ने अश्लीलता के बावजूद जो है गाने को पास करने पर सेंसर बोर्ड पर जो है सवाल उठाया। न्यूज मिंट ने पूरे जो है विवाद को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रवाद के लिए बेशरम गलत जो है व्याख्या करार दिया और कहा था कि गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा अपनी पहनी गई जो है यहाँ पे पांच अलग अलग जो है पोशाकें थी और यहाँ पे बहिष्कार करने वाले इस विशेष जो है दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के निर्माता ने ये कहा 20 सेकंड के लिए दिखाया गया उस चीज को क्योंकि ये उनके एजेंट के अनुरूप है। एक मुस्लिम संगठन ने भी गाने पर आपत्ति जताई। 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को संस्कृति और यहाँ पे आस्था का हवाला देते हुए फिल्म में कुछ जो है बदलाव करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों इसके गाने भी शामिल थे और फिल्म में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। हालांकि दोस्तों बेशरम रंग गाने में यहाँ पे भगवा पोशाक वाले दृश्य को कथित तौर पर बरकरार रखा गया था और बाद में बोर्ड द्वारा पठान को यह प्रमाण पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2023 को बजरंग दल के सदस्यों ने यहाँ पे अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे। उन्होंने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने की चेतावनी भी दी, जिसकी वजह से गुजरात में थिएटर जो है मालिकों को विभिन्न जो है समूहों से मिल रही धमकियों पर गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री जो हर्ष साध्वी को पत्र लिखा है। साध्वी ने ये कहा था, साध्वी ने फिल्म की रिलीज पर जो है मल्टीप्लेक्सों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और शहरों और यहाँ पे जिलों के पुलिस जो प्रमुखों को थिएटर को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड भी भेजा था। तो दोस्तों इस तरह की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। फिल्म के ऊपर जमकर विवाद भी हुआ था, लेकिन मूवी ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई भी किया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फिल्म पर जो यहाँ पे अनावश्यक जो है टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गुवाहाटी में फिल्म पर दर्शित करने जा रहे थे।
एक सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए और वहां पे आग लगा दी गई। इसी तरह दोस्तों बता दें, असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत जो है बिसावा शर्मा ने यहां पे शाहरुख खान को आश्वासन किया था कि उनकी सरकार जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। एक घोषणा के तहत ये पता चला था कि टीजर के माध्यम से पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को सामने आई थी। 25 जून को एक फर्स्ट लुक जो है यहाँ पे मोशन पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था, ये भी देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 1 मिलियन से अधिक जो है लाइक मिले थे रिलीज होने के बाद इस टीजर को। पठान को 25 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताह के अवसर पे तमिल, तेलुगु और हिंदी में इस मूवीज को रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें, आईमैक्स और यहाँ पे 4DX जो संस्करणों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को पठान ने जो है यहाँ पे ICE थिएटर जो है प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी दुनिया भर में 800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी और इंडिया के बारे में हम बात करें तो 5000 स्क्रीन पे इंडिया में इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पठान फिल्म को, इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कहानी में आपको जबरदस्त सीन भी देखने को मिलता है। फिल्म में आपको एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फारूकी नंदिनी को गोला दिखाता है, जिम उन्हें यहाँ पे कॉल करता है और बताते हैं कि यहाँ ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में यहाँ पे वायरस फैला दिया है, जहाँ पे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित जो है वैज्ञानिक नंदिनी के सांस सुविधा में खुद को जो है गोली मार देते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नियंत्रित किए गए विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाता है और जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से यहाँ पे मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिसाइल जो अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर लिया, जिसकी वजह से कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त के साथ जो है मिसाइल को यहाँ पे सक्रिय करने के बाद मार डाला गया था। पठान जो यहाँ पे जेट पैक के साथ जो है जिम का पीछा करता है और वह दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच दोस्तों इस कहानी में रुबाई जो है मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन दोस्तों उसे पता चलता है कि रक्त बीज जो है मिसाइल में नहीं है बल्कि यात्रियों से भरे जो है हवाई जहाज में छुपा हुआ है। जो दिल्ली में उतरने वाली है वह जो है पठान को सूचित करती है इसके बारे में, जिसे ये पता चलता है कि जिम के पास जो है डेटोनेटर है और इसके वजह से लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। लेकिन दोस्तों केबिन में पठान और जिम जो है बेरहमी से लड़ते हुए नजर आते हैं, अंत में जिसके परिणाम स्वरूप जो है केबिन जो है चट्टान से फिसलने लगता है और इसकी वजह से दोस्तों जिम धारा छुरा घोपने के बावजूद जो है पठान ने यहाँ पे डेटोनेटर चुरा लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया गया और जिम को जो है केबिन से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दे न्यू टूटने वाली थी, जब जो है जिम एक जो है तख्ती पकड़ लेता है तो यहाँ पे पठान उसे जो है इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका जो है वीर पुरस्कार छीन लेता है और उसने दोस्तों उस तख्ते को जो है यहाँ पे ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिसे जो है जिम ने पकड़ा हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप जो उसके जो है यहाँ पे गिरकर यानी कि स्पष्ट मृत्यु हो गई। बाद में पठान को रो में बहाल कर दिया गया और यहाँ पे जो OCR का प्रमुख जो है बनाया गया। जबकि दोस्तों नंदिनी को उनके जो है बहादुरी के लिए यहाँ पे मरणोपरांत जो है वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों एक जो है मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंडों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी जो है जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत तक खुद ही खतरों से लड़ते हुए नजर आते हैं फिल्म के अंत में। तो दोस्तों आपको ये कहानी पठान फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों बता दें, यशराज फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम ने 2 मार्च 2022 को अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर पठान की घोषणा की, जिसमें दोस्तों फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले भी कई मौकों पर सलमान खान और विशाल ददलानी सहित जो अन्य कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था। ददलानी ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत की कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है क्योंकि भविष्य की कोई भी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतजार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन जो है गानों वाली एक बेहतरीन फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सानू शर्मा द्वारा
कास्टिंग जो है डायरेक्टर किया गया था। इसी तरह दोस्तों शाहरुख खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया, दीपिका पादुकोण नवंबर में प्रोडक्शन में शामिल हो गई, जबकि दोस्तों जॉन अब्राहम ने जून में मुख्य कलाकारों को और यहां पे मुंबई में फिल्मांकन में शामिल हो गए। डिम्बल कबाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया। सलमान खान को नवंबर 2020 में टाइगर जो है फ्रेंचाइजी से अविनाश सिंह राठौर की भूमिका दोहराते हुए सलमान खान ने फिल्म में अभिनय किया, कैमियो किया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान खान के जो भी फैन थे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए थे। दोस्तों इस कैमियो से शाहरुख खान को ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म चल पड़ी। इसी तरह दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्मांकन दुबई में स्थानांतरित हो गया। एक लंबी पीछा करने वाले दृश्य सहित कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को एक ही शेड्यूल में शूट किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को चालक दल ने 2 दिन का यहां पे अवकाश किया। हालांकि फिल्म के कुछ क्रू सदस्यों के कोविड-19 के क्रू सदस्य जो काम करने वाले थे उनका कोविड-19 जो है यहां पे संक्रमित होने की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद फिल्म के आगे के शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों फिल्मांकन 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिर से शुरू हुआ। बाद में जुलाई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ जो दीपिका पादुकोण ने इस शेड्यूल में फिल्मांकन शुरू किया और एक गीत की शूटिंग की जो 7 अक्टूबर को यहां पे मैलोका और यहां पे कॉटेज में होने वाली थी, जो यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त कार्यक्रम इस गाने को रखा गया जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। और 2022 में और 2030 में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू किया शाहरुख खान की मस्ट अवेटेड फिल्म को जिसका नाम पठान। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने आपको दिया है। दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों बता दें 25 जनवरी 2023 को इस फिल्म को इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों मूवी के बजट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म को बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और दोस्तों बात की जाए इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 1050 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिम्बल कबाड़िया, आशुतोष राणा फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों इस फिल्म में शाहरुख खान का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का किरदार काफी शानदार रहा। इस तरह दोस्तों इन दोनों के बीच में जॉन अब्राहम का सीन भी इस फिल्म में जबरदस्त देखने को हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पे इस मूवी को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।